हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल अनुजिंदल डॉट इन माई नेम इज चेतन एंड इन टूडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द शॉर्ट टर्म विच यू कैन परसू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए और एनी अदर एग्जामिनेशन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन विच मे बी रिलेटेड टू फाइनेंस ओके तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन बिकॉज कुछ ऐसे आपको मैं कोर्सेज के बारे में बताऊंगा ऑल ऑफ देम वुड बी रिलेटेड टू फाइनेंस ओनली मे बी टू स्टॉक मार्केट और मे बी टू एनी अदर फील्ड बट ये कोर्सेज ऐसे यू आर स्टडिंग योर मास्टर्स और बैचलर्स तो आप साथ, -साथ में भी ये कोर्सेज कर सकते हैं दे विल इनहान्स योर नॉलेज दे विल यू नो एड टू यूर सी वी और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सेबी ग्रेड ऑल दो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको कोई कोर्स करना है

आपकी नॉलेज मैटर करती है बाकी सारी चीजें मैटर करती हैं ओके okay? तो ऐसा नहीं है कि आपने सर्टिफिकेशन कर लिया बट आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो वो तो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव uh, हो जाएगा तो कोर्स कर रहे हो तो बहुत उसको अच्छे से करना है अदरवाइज नहीं करना है और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कोर्सेज कर लिए इवन इफ एक या दो कोर्स भी करते हैं बट अच्छे से करेंगे सो so दैट अगर हमसे इंटरव्यू कुछ पूछेगा क्वेश्चन यू नो इन द इंटरव्यू स्टेज तो वी वी शुड बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन बिकॉज वी हैव डन

न गो थ्रू द स्केड्यूल ओके आफ्टर दैट कोर्सिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यू कैन विजिट आर वेबसाइट अनुजिनल डॉट इन और मूविंग ऑन यस दिस इज आर एप्लीकेशन विच इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम योर एंड्रॉइड फोन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी टॉकउ सर्टेन फाइनेंसूड बायिडेट फाइनेंस में इंटरेस्ट भी होना चाहिए इंपॉर्टेंट है अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज और सर्टिफिकेशन भी आपको उसी एरिया में करनी चाहिए जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट हो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू ओके डो नॉट डो सर्टिफिकेशन फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट यू शुड लर्न समथिंग यू शुड इंजॉय ओके now there are various certifications available like one is nism certification uh, this is being offered by sebi itself okay so there are various uh, you can say uh, exams So un exams ke liye aap padhte hain and then you give a test a two hour exam okay and there is some passing criteria so in total they are offering 31 uh, modules or 31 uh, exams 31 certifications very short term you can say एंड द वैलडिटीज ऑफ थ्री इस अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ओके थर्टी वन सर्टिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं ये आपको इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट यू में परसू बिकॉज काफी इकोनॉमिकल होते हैं ये ओके सो प्लीज ये सर्टिफिकेशन आपको कोई जॉब गारंटी नहीं करेंगे ना ही गवर्नमेंट में ना ही प्राइवेट में दीज सर्टिफिकेशन डू नॉट गारंटी एनी जॉब बट अगेन एक एडिड एडवांटेज होता है जरूर अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो तो ओके सर्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसमें 37 मॉड्यूल्स ऑफर कर रहे हैं ये लोग ओके ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका भी बताऊंगा इसके बारे में मैं आपको वेरी कॉमन सर्टिफिकेशन विच आर बींगट ऑफ कैंडिडेट एंड एक्सपीरियंट्स फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इकोनॉमिकल

कोई को इससे बहुत डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है बट अगेन इंटरेस्ट होता है तो हम लोग कर सकते हैं ओके बिकॉज अभी अभी हम let's suppose, अभी हम सपोज अपना बैचलर्स कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ इफ यू आर इन मास्टर्स और अभी हमें लगता है अभी एक, एक साल है हमारी मास्टर्स कंप्लीट होने में दो साल है अभी हमने एडमिशन ही लिया है तो हम साथ साथ में कर सकते हैं इफ वी हैव सफिशियंट टाइम अगर हम सफिशियंट टाइम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो दीज आर वेरी वेरी गुड सर्टिफिकेशन लाइक सी एफ इज वन ऑफ द बेस्ट

उट एन टॉक अबाउट एम फर्स्ट ऑफ ऑल एन सर्टिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग ठीक है तो एन सर्टिफिकेशन सी दिस इज एन आई फॉर एम स्टैंडल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड दिस इज एन एजुकेशनल इनिशियेटिव है ये सो दिस इज दियर वेबसाइट दिस इज देर पोर्टल तो यहाँ पे आपको एन आई एस एम सी दिस इज दूर एल एन आई एस एम डॉट ए सी डॉट इन ओके एन आई एस एम सर्टिफिकेशन तो बहुत सारी सर्टिफिकेशन ये लोग ऑफर कर रहे हैं आई थिंक थर्टी वन है इन नंबर, ओके, तो आप देख सकते हो लाइक एन आई एस एम सीरीज वन सीरीज है फीस इज वेरी नॉमिनल फिफ्टीन हंड्रेड ओके एग्जामिनेशन फीस बाकी पढ़ने के लिए आपको कोई कोचिंग या कोई स्टडी मटेरियल बाय करने की जरूरत नहीं होती दे विल प्रोवाइड यू द बुक्स आप उन बुक्स से पढ़ सकते हो या फिर नॉर्मली भी आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो आपको कोई कोर्स परचेस करने की एज सच नीड नहीं पड़ेगी बिकॉज uh, थोड़ा सा भी अगर आपका बेस सही है फाइनेंस में तो आप पढ़ के समझ जाओगे और YouTube है ही आपके हेल्प के लिए तो हंड्रेड क्वेश्चन रहेंगे इसमें MCQ -based questions रहेंगे हंड्रेड क्वेश्चन है तो किसी एग्जाम का सिक्सटी रहेगा किसी का फिफ्टी रहेगा वो आप चेक कर लेना एंड एग्जामिनेशन फीस ऑलमोस्ट फिफ्टीन हंड्रेड ही है किसी दो तीन एग्जाम्स की 1700 भी होगी अदरवाइज फिफ्टीन हंड्रेड है एंड देन नेगेटिव मार्क्स वन फोर्थ ट्वेंटी फाइव वन फोर्थ द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट विच यू विल गेट आफ्टर क्लियरिंग और पासिंग द एग्जाम इज ऑफ थ्री ईयर्स तीन साल के लिए वैलिड रहता है तो आपको किसी एक सेंटर पर जाना पड़ता है एग्जाम देने और बहुत सारे सेंटर्स से हैं कोई दिक्कत ऐसे नहीं होगी तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं बहुत सारी सीरीज हैं जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की आपको लगती है आप कर सकते हो बिकॉज uh, आपको इस तरीके से इसको लेके चलना है कि इंटरव्यू में uh, आप उसके बारे में आंसर कर पाओ यू यू शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक और नो इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर अब वो म्यूचुअल फंड हो सकता है इट कैन बी डिपॉजिटरी इट कैन बी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बहुत सारी चीजें हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो तो लेट मी शो यू सम ऑफ द दे आर ऑफरिंग लाइक वन इज करेंसी डेरीवेटिव डेरिवेटिव काफी लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगता है तो डेरीवेटिव में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरीवेटिव डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं करेंसी डेरीवेटिव इंटरेस्ट रेट डेरीवेटिविटी डेरीवेटिव इक्विटी डेरीवेटिव म्यूचुअल फंड फाउंडेशन कोर्स देर इज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स ऑल्सो लेकिन वो वो लोग करते हैं जिनको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर करना है ओके देन डिपोजिटरी ऑपरेशन सिक्योरिटीज ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट ठीक है देन मर्चेंट बैंकिंग वेरी वेरी

तो काफी चीजें सिलेबस में भी रहेंगी तो थोड़ा सा आपको उस सेंस में भी यू नो हेल्प हो जाता है देन रिटायरमेंट एडवाइजर देन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में भी थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं यहाँ से और काफी ये इंटरेस्टिंग भी है लाइक हेज फंड प्राइवेट इक्विटी बहुत सारे कैटेगरीज होती है इसमें ओके देन टैक्सेशन इन सिक्योरिटीज मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन बेसिक है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बारे में लाइक डिवेंचर्स और बॉन्ड्स ओके देन पोर्टफोलियो मैनेजर्स तो ये कुछ सर्टिफिकेशन uh, मैंने लिखे हैं देर आर मोर देन मोर और भी है यहाँ पे बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट या आप लोगों के लिए जो सुटेबल रहेंगी वो मैंने आप जस्ट मेन्शन देम हेयर एंड सिमिलरलीफ आई टॉक अबाउट एनसीएफएम एनसीएफिफिकेशन नाउ दिस इज बाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनकी एक अकेडमी है वो ये ऑफर करती है तो आप देख सकते हो सी देर आर द कोर्सेज ऑफ एन एन आई एस एम एंड एनसीएफ कॉमन काफी सिमिलर है काफी कॉमन है एनसीएफ लिटल एक्सपेंसिव क्योंकि एन आई एस एम के पंद्रह सौ के हैं बट इसके कोर्सेज दो हजार के हैं तो वो पांच सौ रुपए का डिफरेंस यहाँ पे रहता है बट यहाँ पे सर्टिफिकेट रहता है उसकी वैलिडिटी पांच साल की रहेगी इन एन आई एस एम इट इज ऑफ थ्री ईयर्स बट वैलिडिटी एज सच बहुत मैटर तो आपको नहीं करती हाँ ठीक है अगर इसकी पांच साल की वैलिडिटी है मतलब आपने एक बार दे दिया आप से भी आप मल्टीपल टाइम्स अगर देते हो हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ना क्लियर हो तो वो उस सेंस में आप थोड़ा इसको देख सकते हो बट अदरवाइज एन आई एस एम सर्टिफिकेशन आर बेटर एज कम्पेयर टू एनसीएफ कुछ सर्टिफिकेशन एनसीएफएम के भी अच्छे हैं ओके okay, तो एज uh, सच आप थोड़ा सा इसका करिकुलम देख सकते हो एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट यू मे डिसाइड विथ सर्टिफिकेशन यू वॉन्ट टू परसू लाइक इन इन दिस आर बेसिकली फाउंडेशन इंटरमीडिएट एंड एडवांस जैसे कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी में होता है ना फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट एंड फाइनल उस तरीके से इन्होंने कुछ डिवाइड कर दिया है फाउंडेशन मॉड्यूल्स इंटरमीडिएट मॉड्यूल्स एंड एडवांस मॉड्यूल्स तो इन तीनों मॉड्यूल्स को एक बार देख लेते हैं एक एक करके सबसे पहले हम देखेंगे फाउंडेशन uh, मॉड्यूल्स तो इन एनसीएफ फाउंडेशन मॉड्यूल्स यू हैव फाइनेंशियल मार्केट म्यूचुअल फंड करेंसी डेरिवेटिव इक्विटी डेरिवेटिव आप देख सकते हो कमर्शियल बैंकिंग सिक्योरिटीज मार्केट ओके क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल ये सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी एंड देन इफ आई टॉक अबाउट इंटरमीडिएट मॉड्यूल्स तो इंटरमीडिएट मॉड्यूल्स में यून सी देर आर सम एडवांस्ड टॉपिक्स थोड़ा इंटरमीडिएट मॉड्यूल में थोड़े से टॉपिक्स टाइप के हैं जैसे कि कैपिटल मार्केट डीलर्स डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पोर्टफोलियो फंडामेंटलिस एंड टेक्निकल तो ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अच्छे हैं एनसीएफ यू कैन परस्यू दो इफ यूव इंटरेस्ट लाइक दिस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन ट्रेडिंग ऑपरेशन रिस्क बैंकिंग सेक्टर ट्रेजरी मैनेजमेंट इंश्योरेंस ओके

क्विटी दिस इज बेसिकलीटिव इन्वेस्टमेंट फंडलिटी तो बहुत सारे में जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्विस एल्गोरिज्म एल्गो ट्रेडिंग का नाम अगर आपने सुना हो थोड़ा सा advanced topic है ये okay. ऐसी हैं तो जनरल आप इनके बारे में नॉलेज रखोगे देखो थोड़ा सा कुछ भी पूछ ही सकते हैं वो लोग चाहे वो आपका नो डिपोजिटरी हो स्टॉक एक्सचेंज हो क्लियरिंग मैकेजम हो तो सारी चीजें तो ये थोड़ी सिलेबस का पार्ट तो है ही बट ये आपको इंटरव्यू में भी एक थोड़ा सा एज देती है अगर आपको इनके बारे में थोड़ा पता होगा मार्केट एडवांस्ड मॉड्यूल

और एक है वॉल स्ट्रीट स्कूल इसका नाम शायद आपने ना सुना हो तो जो वॉल स्ट्रीट स्कूल है ये बेसिकली फाइनेंस के ही मेजरली कोर्सेज ऑफर करता है और इसका एक कोर्स है स्टॉक मार्केट विजार्ड कोर्स ये काफी अच्छा कोर्स है बेसिक कोर्स है मतलब आप कर सकते हो स्टॉक मार्केट विजार्ड कोर्स तो वॉल स्ट्रीट स्कूल बेसिकली मेजरली फाइनेंस के कोर्सेज ही ऑफर कर रहा है शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं ठीक है बेसिकली कुछ आर्स होते हैं आपको उतने आर्स की वीडियो आपको कंप्लीट करनी होती है आपको एक मिल जाता है। और काफी सारे कोर्स तो भी होते हैं, कुछ पेड़ भी होते हैं ओके? जैसे है, काफी इकोनॉमिकल है कोर्सेरा अच्छा में कुछ कोर्सेज फ्री भी है कोर्सेरा में आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है वन मंथ के तीन हजार रुपए फॉर एग्जाम्पल तीन महीने के सात हजार रुपये उस तरीके से मॉडल आपका चलता है तो आप तीन महीने में कम्प्लीट करना चाहते हो या आपको लगता है आप एक महीने में ही कम्प्लीट कर सकते हो तो अपने टाइम के हिसाब से अपनी पेस के हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हो के स्पेसिफिकली काफी अच्छे कोर्सेज़ होते हैं ऐसे ही एडेक्स के बारे में फुल फॉर्म ऑफ दिस ओके तो ये प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे आप घर बैठे फ्रॉम रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज लाइक आई एम अहमदाबाद आई एम बेंगलोर एंड इवन फॉरन यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया मतलब बहुत कैम्ब्रिज वगैरह हार्वर्ड तो वहां से भी आपको ये वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है तो एक काफी यू नो वैल्यू मतलब इन द सेंस जॉब अगेन जॉब गारंटी नहीं होती है बट अगेन इट एड्स टू योर सीवी ओके नॉलेज इनहसमेंट तो आपका होता ही है बिकॉज आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है फ्रॉम फैकल्टीज ऑफ द वर्ल्ड ओके लाइक पे मैं आपको बताऊं रॉबर्ट शिलर का नाम आपने सुना अगर वेरी फेमस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस उनका एक कोर्स है अबाउट द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस पे ठीक है तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे ओके लाइक पर्सनल फाइनेंस स्टॉक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग जिसमें थोड़ा एक्सेल पे काम करना सिखाते हैं आपको राइट देन फाइनेंशियल एनालिसिस ओके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग भी एक uh, काफी अच्छी फील्ड होती है बट अगेन इंटरेस्ट के बेसिस पे आप अपना चूज कर सकते हो वैल्युएशन फाइनेंशियल मार्केट्स डेरिवेटिव ठीक है तो बहुत सारे मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं तो सी ऐसा नहीं है आपको बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल एनरोल करना है इन वन कोर्स एट अ टाइम उसको अच्छे से करो क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी क्वालिटी मैटर करती है हमेशा ध्यान रखना ओके देन यस कोर्सेरा की अगर मैं आपको बात करूं सो आई जस्ट यू नो टाइप्ड फाइनेंस इन देयर सर्च बॉक्स एंड आई गॉट टू थाउजेंड सिक्स टू कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड तो कोर्सेरा में काफी

ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस भी हैं, हैं, भी, है, advanced courses भी भी like, uh, uh, आप उसके accordingly enroll कर सकते हो, and similarly, edX की भी भी, अगर मैं आपको बात बताऊं तो एडेक्स में भी लाइक आई सर्च स्टॉक मार्केट कोर्सेज तो आई फाउंड वन ट्वेंटी तो बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक आई एम बेंगलोर का है इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट ओके तो बहुत ही बढ़िया फैकल्टीज से आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है देन फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस इज ऑफरिंग दिस कोर्स ठीक है सबके आगे एक्स लिखा हुआ है बिकॉज इनका एक ये, uh, you know, एक ये यू नो आइडेंटिटी है एड एक्स एक्स फैक्टर ऐसा समझ सकते हो आप ठीक है देन पर्सनल फाइनेंस कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशन लाइक आई एम एफ दे आर ऑफरिंग यू सच सो यू कैन चेक आउट दिस कोर्सेज इफ यू फील लाइक देखो कोई कंपल्शन नहीं है अगेन आपको टाइम मिलता है तो भी आप करना बिकॉज पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है सेबी का ऐसा नहीं कि सिलेबस छूट जाए हमारा इन कोर्सेज को परसू करने के यू नो चक्कर में तो आपको पहले सिलेबस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बट आपको लगता है कि आपके पास टाइम बचता है आप यू आर नॉट वर्किंग समवेयर आपको लगता है आप अभी फॉर एक्साम्पल आप अभी पढ़ रहे हो आपको लगता है मे बी हाफ एन आवर दिन का या एक घंटा दिन का निकाल सकते हो इन कोर्सेज के लिए तो डू इट ठीक no, no है कोई ऐसी कंपल्शन वाली बात नहीं है चलिए विद दैट आई कंक्लूड दिस से डाउट है आपके मन में कुछ भी आता है तो फील फ्री टू राइट योर डाउट इन दमेंट सेक्शन बिलो दिस वीडियो जो भी डाउट हो प्लीज आप लोग लिखना ठीक है बाकी आई फील की थोड़ा सा दिस वीडियो मस्ट है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन So okay, with that I'll end the session here. Video pasanda, like dena so like and please share it with maximum people so that others can also uh, benefit from this uh, video. All the very best guys. Take care. Goodbye. Have a nice day.